और आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से महिलाओं की तादाद बढ़े, उनके लिए पिंक बूथ जो है, पिंक वैक्सीनेशन बूथ जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए होंगे, वो बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जो डेटा निकल कर आए थे उसमें ये जानकारी मिल रही थी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो है वो कम वैक्सीनेशन करवा रही हैं, उनकी रफ्तार धीमी है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चीजों को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें लाइन में ना लगना पड़े, ज्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने पिंक बूथ जो है वो बनाए हैं जहां पर सिर्फ महिलाओं के लिए ही वैक्सीनेशन होगा। किस तरह से पिंक बूथ काम करेंगे, कितने बूथ बनाए गए हैं और इनके लिए क्या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम जानकारियां दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनिल यादव। वैक्सीनेशन के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए यूपी सरकार ने आज से हर जिले में पिंक बूथ की शुरुआत की है, जहां पर महिलाओं द्वारा सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। लखनऊ में ऐसे 3 बूथ बनाए गए हैं पिंक बूथ, जहां सिर्फ महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। और देखिए यहां पर 2 महिलाएं टीका लगवाने आई भी हैं। आपको टीका लग गया? नो, अभी स्टार्ट होगा, लगवाने जा रही हैं आप। कहां से आई हैं? मैं यहीं लखनऊ से ही हूं। तो आपने स्लॉट लिया था कि रजिस्ट्रेशन यहीं जाके कराया है? नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले, हुआ था। यहां तो बिल्कुल भीड़ नहीं, बहुत आराम से टीका आपको लगने जा रहा है। हां जी। क्या कहेंगे जो अलग से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की स्टार्ट हुई है आज से? फिलहाल अभी तो सब कुछ अच्छा ही, आप आके लगवाइए, सेफ्टी भी है, सारी व्यवस्था अच्छी है, कोई रिस्क नहीं है, आइए लगवाइए। और क्या, सिर्फ लेडीज़ के अलग से व्यवस्था की गई है? बहुत पुरुषों के साथ उनको लाइन नहीं लगना पड़ रहा है, ये थोड़ा महिलाओं के लिए ठीक है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और तो महिलाएं भीड़ से डरती हैं, लाइन लगाने से डरती हैं, अब वो थोड़ा सा उनका डर खत्म होगा और वो आएंगी आगे? बिल्कुल 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 सर। क्या नाम है आपका? रेनू राय। देखिए तमाम लोग यहाँ पे हैं जो पिंक बूथ पर बैठे हुए हैं, तो क्या बहुत भीड़ नहीं आ रही क्या महिलाओं की? अभी स्टार्टिंग हुई है जस्ट जी, अभी तो उम्मीद कर रही है कि आएंगी महिलाएं भी जैसे दिन बढ़ेगा। बिल्कुल आएंगी। वैक्सीन की कितनी डोज हैं आपके पास वैक्सीन की? वैक्सीन की अभी तो शायद 20 आई हुई है। टारगेट कितना है लगाने का? टारगेट शायद अभी तो सिस्टर जी से कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ बोला जा रहा है कि 250 से ऊपर लगेंगी। तो देखिए अभी 2 लेडीज आई हुई हैं और उम्मीद यही करी जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी ज़्यादा यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वैक्सीन लेने के लिए आएंगी, क्योंकि ये पिंक बूथ है, अनोखी पहल है कि महिलाओं को वेट ना करना पड़े, लाइन ना लगाना पड़े, और इसलिए लखनऊ में 3 बूथ बनाए गए हैं पिंक बूथ। और ये देखिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, हालांकि महिला दिवस तो बीत चुका है। और तो एक सराहनीय पहल उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं की वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।